हेलो एवरीवन, दिस इज़ अविनाश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाव गार्डनिंग्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने आज ये एक बहुत बड़ा सा प्लांटर रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर शेप का जो है ये पॉट रखा हुआ है। तो आखिर आज मैं इसके साथ करने क्या वाला हूँ, तो आज की जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक अलग प्लांट्स के लगाने की मेथड बताऊंगा, एक न्यू क्रिएटिविटी बताऊंगा कि अगर आप अपने घर पे जो पॉट्स लगाते हैं, जैसे जनरली आप को मैं बताता रहता हूँ कि इसमें लगाइए इसमें लगाइए, बट आज थोड़ा सा हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए, तो आप जब इसको लगाओगे तो आपका जो गार्डन है और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं ये पॉट यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉट मैंने जो है प्लास्टिक का ऑनलाइन मंगाया था। ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, आप देख पा रहे होंगे, प्लास्टिक का जरूर है दोस्तों पर काफ़ी मजबूत प्लांट है, तो प्लांटर है और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को झेल सकता है और जो यूवी प्रोटेक्टेड इसमें यूज़ किया गया है मटेरियल, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो जो भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में कॉन्टेक्ट पे इसको रखते हो तो उसमें भी जैसे काफ़ी सारे आप देखे होंगे कि कलर जो है फेड हो जाते हैं, तो उसमें ये वाली प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो दोस्तों, ये तो हो गई पॉट की बात। बेसिकली आज जो है मैं इसमें कनेर प्लांट लगाने वाला हूँ, यानी कि ओलियंडर। मैंने आपको इसके पहले केयर वीडियो भी बताई है, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट ये करेंगे कि अपन इसमें एक नए तरीके की प्रोसेस करेंगे। इसमें ये जो दोस्तों मेथड होती है प्लांट्स लगाने की, ये आर्ट होती है एक्चुअली, ये मेथड तो नहीं कह सकता, इसको आर्ट बोलेंगे। तो ये आर्ट दोस्तों एक होती है ऐसी कि इसमें विंडो क्रिएट की जाती है दोस्तों, जैसे ज़िगज़ैग आपने देखा होगा, आप जो है इमेज पर देख पा रहे होगे साइड पर, तो ये बिल्कुल ऐसी ही क्रिएट होती है। तो ये बहुत प्यारा एक दोस्तों विंडो का लुक बनाती है आपके गार्डन पर, जो कोई देखने आता है तो बहुत ही ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करती है ये अपनी तरफ, तो काफ़ी अच्छा दोस्तों देखने में लगती है। तो आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे, इसको बनाने के प्रोसेस बताएंगे आपको। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर इसको बनाते कैसे कैसे हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जल्दी से दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी जो पॉटिंग मिक्स है वो क्या बना रहा हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इस बार ब्लैक सॉइल है मेरे पास, तो इस ब्लैक सॉइल में दोस्तों मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा सैंड। सैंड इसलिए कि ताकि अच्छा जो है ड्रेनेज बना रहे, और ये आपको जो है कंस्ट्रक्शन शॉप में कहीं भी मिल सकती है आसानी से, जहाँ पे घर बनाने का दोस्तों सामान वगैरह मिलता है वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो थोड़ा सा ये यूज़ करेंगे, और इसके बाद दोस्तों हम यूज़ करेंगे इसमें कंपोस्ट। तो कंपोस्ट दोस्तों आप जो देख पा रहे होंगे ये लीफ कंपोस्ट है, तो ये मैंने खुद रेडी की है, तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। ये देखिए, तो यहाँ से मैं इसको इसमें डालता जाता हूँ, और इसमें मैं जो है कोई भी तरीके का भी स्टार्टिंग में फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जब मैं प्लांट लगाऊंगा उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब वो सेट हो जाएगा तब फिर मैं इसमें उसमें फर्टिलाइज़ कर दूंगा। तो देखिए, ये जो है मैंने इसको कर लिया है, अब इसको मैं जल्दी से मिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस क्या करनी है। सो बिल्कुल हमारी जो है सॉइल मिक्सर बिल्कुल रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी ये रेडी हुई है। अब उसके बाद जो है इसको साइड में करके हम इसमें जो ये ड्रेनेज होल बनाया है दोस्तों, तो ड्रेनेज होल पे हम दोस्तों कुछ भी ऐसे जो ठिगरियाँ रहती हैं वो रखेंगे, ताकि इसका जो है ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता रहे। और ड्रेनेज दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी आप प्लांट को रिपोर्टिंग करते हैं या नया परचेज करके लगाते हैं, तो सबसे पहले आप जो है ड्रेनेज होल को बना ले। ड्रेनेज होल बनाने से क्या होगा कि आपका जो पानी रुकेगा नहीं, खड़ा नहीं होगा, तो रूट रॉट की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका प्लांट जो है ख़राब भी नहीं होगा और आसानी से चलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो इसको बना लिया है, अब इसमें हम जो है जल्दी से इसको रख के फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको लगाना है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कुछ जो है प्लांट्स के टूट गए थे पीसेज, वो हैं, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ड्रेनेज में। देखिए, आप ऐसे इसको यूज़ कर रहे थे, ये इसको आप ऐसे फ्लैट मत रखिएगा, फ्लैट रखने से क्या होता है कि इसमें पानी आराम से ड्रेन नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसको ऐसे सरफेस में रखिएगा जहाँ पे थोड़ा सा इसमें स्पेस हो, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पानी भी ड्रेन हो जाता है। तो इस तरह मैं इसमें सब में रख लेता हूँ। तो बिल्कुल ये जो हमारा रेडी हो गया है, ड्रेनेज सिस्टम हमने बना लिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या कि इसमें थोड़ा सा अपनी ये गार्डन सॉइल को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। आप इसको आराम से डालिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का काम नहीं है, इसको आराम से जितनी करेंगे उतने अच्छे से होगा, क्योंकि आपने जो नीचे ये ठिगरियाँ रखी हैं अगर वो हिल जाएंगी अपनी जगह से, तो फिर आपकी जो है ये आप जो सॉइल मिक्सर डाल रहे हैं वो भी निकलने लग जाएंगे ड्रेनेज से, तो ड्रेनेज होल से। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, पहले इसको आराम से ऊपर से धीरे धीरे करके फिलिंग कर दीजिए इसकी, फिर ऊपर से आप जो है इसे फटाफट भी डाल सकते हैं। तो चलिए, ये जो हमारा रेडी हो गया है सॉइल मिक्सचर, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्लांट्स मैं कैसे रेडी किया हूँ जो उसको मैं लेके आया था। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे
यहाँ पे सारे ओलियंडर्स के प्लांट्स हैं, ये मैंने सारे कलेक्ट किए हैं, किसी न किसी तरीके से इसको कलेक्ट किया है। मैं नर्सरी से भी ले सकता था, बट ये जो है बहुत ही ईजिली रेनी सीजन पे निकलते हैं मैच्योर प्लांट के पास से, तो मैंने ये इसके बेबी प्लांट्स लेके आए, तो इसको काफ़ी सारे प्लांट्स को एक जगह पर लगा दिया है। तो अब इनकी बारी, मैं इसको एक एक सेपरेटली निकाल कर लगाता जाऊँगा। तो आपने देखा मैंने प्लांट्स को कैसे रेडी किया है, बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको लगाएंगे कैसे, इसको लगाने की प्रोसेस क्या होती है, विंडो ये कैसे क्रिएट करेगी। तो मैं आपके लिए एक यहाँ पे छोटा सा डायग्रामेटिकली इसको आप समझा देता हूँ कि कैसे होता है, मैंने आपके लिए इसको प्रिपेयर किया है, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। जैसे कि आप देख पा रही हैं, ये पॉट है मैंने आपको दिखाया, तो इसमें लगाएंगे कैसे प्लांट्स, अपन ऐसे ऐसे गैप में एक प्लांट लगाते जाएंगे, इसमें दो से तीन उंगली के गैप में ऐसे अपन इसको, फिंगर्स के गैप में इसको लगाते जाएंगे प्लांट्स को। तो इसमें 12 या 24 के आप लोग रेशियो में बनाएंगे ताकि जो है एक दूसरे से क्रिस क्रॉस हो सके, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखने में लगता है। तो देखिए इसको बनाएंगे ऐसे कि अपन जब इसमें प्लांट सेट कर देंगे, तो इसको यहाँ से दोस्तों ना लगाने के बाद इसको ट्विस्ट करना पड़ता है। तो इसको लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगा दोस्तों, ये आप जो देख पा रहे हो ये थ्रेड जो होती हैं, ये जो जूट वाली थ्रेड आती हैं, ये आपको ईजिली मिल जाती है मार्केट में, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो आपको दूसरी भी आप यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो देखिए ये यूज़ करेंगे, तो इसको लगाने के बाद क्या है, जब सेट हो जाएगा तो इसको यहाँ से ऐसे नॉटिंग करते जाएंगे। तो ये जब भी दोस्तों ये आपको दिख रहे होंगे ना, यहाँ से ये खाली एरिया है, तो ये दोस्तों इसको मूव करते जाएंगे अपन, जैसा आपको एरो के थ्रू इसमें समझ में आ रहा होगा। तो ये इसको फिर से अपन यहाँ से निकाल कर इसके अंदर ऐसे इंसर्ट करते जाएंगे, यहाँ से निकाल कर इसे इंसर्ट करते जाएंगे, तो बहुत ही प्यारा दोस्तों लुक देगा। तो देखिए सेकेंड में आपको मैं दिखाता हूँ, जब ये ऐसा बंध जाएगा तो इसमें अपन लोग को यहाँ से इसमें थ्रेडिंग करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से बांधना पड़ेगा ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो ये जब ऐसे थ्रेडिंग होती जाएगी तो ये काफ़ी अच्छा एक दोस्तों स्ट्रक्चर बनाता जाएगा। बट अभी जो है मैं आपको स्टार्टिंग फेजेस पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी प्लांट बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, तो आपको सबसे नीचे वाली ही मैं थ्रेडिंग करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आप इसको जो है अपने हिसाब से, जैसे वो बोलते हैं ना दोस्तों हिंदी में बिना किसी भी, जैसे आपने कभी ना कभी किसी चीज़ को ऐसे बिना होगा किसी चीज़ से, तो वो बस वैसे सिंपल सी प्रोसेस होती है। अगर आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, बहुत ईजिली ये जो है आपका क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नर्सरी में अगर आप लेने जाते हो तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसलिए आपको मैं हर चीज़ जो है अपनी वीडियोज़ में घर पर ही रेडी करने के लिए बताता हूँ, और आपको ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए ये हो गई होल प्रोसेस, अब मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे ये होता है। तो चलिए फटाफट से हम जो है अपने प्लांट्स को इसमें शिफ्ट करते चलते हैं। हमने प्लांट्स जैसे मैंने आपको दिखाए थे वो निकाल लिए हैं, और इसको हम गैप में ऐसे लगाते जाएंगे। देखिएगा आप, हमको इसमें ऐसे 12 पीसेस का बनाना है, आप 6 का भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे 12 का बना रहा हूँ, यानी कि 12 का सेट भी बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों देखने के लिए, इसलिए मैं 12 का बना रहा हूँ। देखिए कुछ कम ज़्यादा भी होगा अगर आपके प्लांट, तो उसके हिसाब से भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसका ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होता। ये देखिए, तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये पूरे तरीके से सेटअप हो चुका है, मैंने जैसा आपको बताया था इसमें 12 मैंने इसमें लगा दिए हैं एक रो से। तो अब जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और इसमें फिलिंग करूँगा अपने पॉटिंग मिक्सचर की, क्योंकि ये अच्छी तरीके से सेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने इसको रख दिया है इसके ऊपर, जब तक आप लोग नहीं डालेंगे ये सेंड नहीं होगा, फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि अब फिर आगे क्या करना है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल हमने जो है अपनी और ऊपर से थोड़ा सा इसकी और फिलिंग कर ली है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थ्रेडिंग करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग पे। तो थ्रेडिंग करने के लिए दोस्तों अभी प्लांट हमारा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बट अभी मैं उसके नीचे नीचे लेवलिंग पे करूँगा थ्रेडिंग, और फिर आप ऐसे करते जाइएगा, जब आपका प्लांट थोड़ा सा और बढ़ता जाएगा, हाइटेड होता जाएगा, तो आप उसमें जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, तो आप उसके थ्रू उसको ऊपर से बांधते जाइएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। तो सबसे पहली नॉट दोस्तों आपको यहाँ से लगानी है, यहाँ से आप नॉट लगाएंगे तो ये यहाँ इस लेवल से ये सेट होता जाएगा, और देखिए इसके बीच में ऐसा एरो का ये ट्रायंगल आपको डिज़ाइन आता जाएगा। तो देखिए आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ये ग्रोथिंग एज पे है, ग्रोथिंग पीरियड पे, तो अभी ये जो है थोड़ा सा इसका स्टेम थोड़ा सा मोटा भी होगा, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो बस इसी तरह मैं सब में इसको करता जाऊँगा। देखिए मैंने आपको जैसे 12 बोला था, तो देखिए 12 में पेयर हो गए हैं। देखिए मैं इसके साथ इसको कर दिया हूँ इधर 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 इधर, तो ये सब दोस्तों पेयर बन जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इसको इसमें भी यहाँ पे ऐसे बांध देता हूँ। देखिए आप इसको दोस्तों पहले भी कर सकते हैं, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लगाने के बाद, पर मैं लगाने के बाद इसलिए करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अगर आप इसको पहले करना चाहते हैं तो आप इसको पहले भी कर सकते हैं, देखिए आप इसको इस तरह थोड़ा सा फैला भी सकते हैं बाद में। तो मैं इसको इसलिए दिखा दे रहा हूँ आपको कि आपको जैसा भी ईजी पड़े आप वैसा इसको कर लीजिएगा।
ओके सो ये फाइनली दोस्तों हमारा जो है ये रेडी हो गया। देखिए सेकंड स्टेप में मैं आपको और ज़्यादा क्लोज से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में ये दिखेगा कैसे। तो देखिए अभी हमने जो है इसको यहाँ से इसकी थ्रेडिंग की है, यहाँ से इसको नॉट किया है, तो देखिए अपने आप ये स्ट्रक्चर लेने लग गया है। तो देखिए अब जब मैंने इसको यहाँ से ट्विस्ट किया है तो देखिए ये यहाँ से भी ऐसा ये शेप आने लग गया। तो देखिए अब इन दोनों को छोड़ के दोस्तों इसके बीच में मैं करूँगा, तो यहाँ पर भी एक दोस्तों ऐसे इसको बांध दूंगा तो ये यहाँ से एक शेप ले लेगा। देखिए आप इसको बहुत ही आराम से करिएगा, टाइम लेके करिएगा तो आपको बहुत ईजिली ये लगेगा देखने में और समझ में भी आने लगेगा। देखिए फिर मैं इसको ये वाले को इधर से क्रॉस कर दूंगा, तो देखिए आपको आई होप दिख पा रहा हो और समझ भी आप आराम से पा रहे होंगे कि देखिए मैं इसको इसलिए आपको पूरा ए टू जेड समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको यहाँ से भी इसको यहाँ से ट्विस्ट कर दिया, ये देखिए ये बस इसी तरह की सेम प्रोसेस हम इसमें भी करते जाएंगे। अब इसको ये अगर आपका थोड़ा सा मैच्योर नहीं है प्लान देखिए तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर बांधिएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, देखिए इस वाले को मैं इसमें ट्विस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए अभी जो है कुछ बड़े प्लांट हैं कुछ छोटे प्लांट हैं, तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक साइज़ का आप प्लांट लीजिएगा तो आप थोड़ा सा टाइम या नर्सरी से आप लेके आ जाएंगे तो आपको एक साइज़ के प्लांट मिल जाएंगे। तो देखिए अभी जो है ये कितने अच्छे से आपको दिखने लग गया होगा, इसका स्ट्रक्चर जो है आपको आने लग गया होगा। अब देखिए जो बात आती है साइड्स की कि साइड में कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं दोस्तों ये वाला पोर्शन, तो अपन अब इसको क्या करेंगे इसके अंदर ऐसे मूव करते जाएंगे। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से पहले मैंने एक ट्विस्टिंग की फिर इसको बीच में ट्विस्ट किया। पहले ये सिंपल से जैसे दोस्तों आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, देखिए दो के बीच में एक तो ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो और ये वाले को मैं इधर पे ऐसे मूव करता जाऊँगा अंदर की तरफ को, तो देखिए मैं इसको यहाँ से एक कर दूंगा तो फिर ये यहाँ से भी एक पूरा सेटअप बनता जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों इसको बिल्कुल इसी तरह ही क्रिशन क्रॉस करके जिगजैग करके इसको बनाना है, तो आप आराम से टाइम लेके बनाइएगा तो बहुत ही आपका जल्दी से आपके घर पर ये रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको जो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई है इस विंडो प्लांट मेकिंग की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियोस को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों अब इसमें लास्ट जो है एक ही काम बचता है वाटरिंग करने का, तो मुझे लगता नहीं है कि अब इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि नेचर ने अपने आप ही इसमें इतनी बारिश की है कि अभी ये जो अपने आप गीला हो गया है। तो दोस्तों अभी मैं इसके बाद इसको वाटरिंग नहीं करूंगा, अगर थोड़ा सा ड्राई लगेगा तो फिर वाटरिंग इसमें कर दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियोस पर किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।